नमस्कार, आप देख रहे हैं बागडोगरा, आपके साथ मैं हूं सुनील। एक चौंकाने वाली घटना बागडोगरा से। जी हां, आज एक चौंकाने वाली घटना बागडोगरा से, सुन के आप भी हो जाएंगे हैरान। 12 साल की स्कूली बच्ची का अपहरण। जी हाँ, एक 12 वर्षीय स्कूली बच्ची का अपहरण। अपहरण के बाद कुछ देर बाद बच्ची अपहरण का जो वारदात करने वाले जो बदमाश है उनको उनसे छुटकर भागते में रखी बच्ची सफल। एक स्कूली बच्चे का स्कूल के ठीक कुछ बाहर से जो है बच्ची का अपहरण हो जाता है, और ये और कोई नहीं 12 वर्ष की बच्ची का अपहरण। इससे पहले भी सिलीगुड़ी में एक बच्ची का इसी तरह अपहरण, और उसके बाद जो है बच्ची का शव मिलता है। पर आज ये बच्ची बाल बाल बच गई। बच्ची का अपहरण के बाद बच्ची भागने में रही सफल, और भागते हुए बच्ची ने एक दुकान से फोन लेकर परिवार वालों को इस घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में अफरा तफरी और एक डर सा। स्कूली बच्ची और जो उसकी सहेलियां थे वो भी दहशत में आ गए, वो भी सभी डर गए थे कि क्या हुआ। कुछ समझने से पहले ही ये घटना को कुछ ही मिनटों के भीतर अंजाम दिया गया, और उसी चंद मिनटों के भीतर बच्ची भी भागने में रही सफल। अपराधकारियों ने बच्ची को चाकू की नोक पर किया किडनैप। बच्चे का मुंह दबाकर बच्चे को ले गया अंधेरे घर पर, वहीं से बच्ची कुछ देर बाद भागने में रही सफल। बच्ची के हाथ में चाकू के निशान भी मिले हैं, और ये कहीं नहीं बागडोगरा गोसाईपुर की घटना आपको बता रहे हैं। बागडोगरा गोसाईपुर में यह घटना घटी है। उसके बाद इस घटना की जानकारी दी गई बागडोगरा पुलिस को, और पुलिस उसके बाद से एकदम एक्टिव हो गई है और इस घटना की जांच शुरू कर दी है। अभी अभी जो हमें खबर मिल रही है, बागडोगरा थाना के जो ओसी हैं वो भी घटनास्थल पर गए, परिवार वालों से मिले, और अभी घटनास्थल पर और पूरी टीम इस जांच में जुटी हुई है। किस कौन कौन लोग इस घटना से जुड़े हैं। आज दो ऐसे अनजान लोगों द्वारा बच्चे को अपहरण करने की कोशिश, और ये भी कहा गया कि बहुत दिन बाद कुछ हाथ लगा है। ऐसा ही बच्चे जो है डर के मारे, बच्ची काफी ज्यादा डर गई, अपनी बच्ची ने साहस दिखाया। साहस दिखाकर बच्ची किसी तरह से उसको दांत काट कर भागने में रही सफल, ऐसी बच्ची का कहना है। और परिवार की माँ, बच्ची का पिता जो है वो नहीं है, आज से 2 साल पहले उनका देहांत हो गया है। ये लोग बाहर से आकर यहाँ बागडोगरा में रह रहे हैं, और बागडोगरा के बेसरकारी स्कूल में पढ़ रही है बच्ची। आज उसको अपहरण करने की कोशिश, टोटो के भीतर से बच्ची का अपहरण करने की कोशिश, जब टोटो चालक कुछ और बच्चों को स्कूल में लाने जाते हैं उस दौरान बच्ची का अपहरण हो जाता है, और उसके बाद कुछ देर बाद बच्ची भाग जाती है वहां से। अपनी हिम्मत दिखाकर बदमाशों के चंगुल से किसी तरह अपने दांत काट कर जो बच्ची भाग जाती है, इस हौसले को हम सलाम करते हैं। यहीं पर दार्जिलिंग जिला के जो सभापति है श्रीमती पापिया घोष ने भी बच्ची के जज्बे को सलाम किया। वहीं पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी बच्ची के जज्बे को सलाम किया, और प्रशासन के पास सभी गुहार लगाने। इस वक्त बागडोगरा थाना में कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं कि इस तरह की घटना क्यों, आखिरकार बागडोगरा में क्यों। आए दिन कहीं ना कहीं कुछ मर्डर्स या कुछ हादसे हो रहे हैं। एक बार फिर बागडोगरा में इस तरह की घटना होने से एक सनसनी का माहौल बना हुआ है। एक बच्ची का अपहरण होने से एक सनसनी का माहौल बन गया। महज एक 12 साल की बच्ची जो क्लास 4 में पढ़ती है, उस बच्ची का अपहरण होता है। और साहस यह है कि बच्ची ने अपनी साहस और हिम्मत दिखाकर अपहरण करने वालों के हाथ से किसी तरह बच जाती है, और वहीं बच्ची अपने परिवार के पास अभी कुशल मंगल है। परिवार के लोग काफी डरे हुए हैं, और बच्ची को अभी जो उनके द्वारा कहा गया है कि बच्ची को हम एक दो दिन स्कूल नहीं भेजेंगे, ऐसी बच्ची के परिवार द्वारा कहा गया है। काफी बच्ची घबराई हुई है, पर वहीं इसके हिम्मत को हम सलाम करते हैं। प्रशासन पर एक सवाल भी यहाँ पे उठता है कि आखिर रिहायशी इलाके से बच्ची का अपहरण कैसे हो सकता है। इसकी जांच में जुटी है बागडोगरा थाना की पुलिस। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आई लव बागडोगरा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को खास ध्यान दें। धन्यवाद।